मेरा नाम अभिषेक श्रीकृष्ण डोंगरे है और मैं रायपुर पांडरिये गांव में रहता हूँ। तालुका जिला अमरावती है और आपको बताने जा रहा हूँ मैं आयशर 485 की जानकारी। तो आइए देखते हैं ट्रैक्टर के बारे में। आज अभी जो आप देख रहे हैं तीन पिस्टन का गाड़ी है, एयर कूल गाड़ी है, जो कूलेंट वाटर डालने का काम नहीं है, एयर कूल गाड़ी है, तो एक नंबर गाड़ी है, चलने में भी अच्छा है, दिक्कत भी आती नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब बताने जा रहा हूँ मैं आपको एक क्लच के बारे में। तो आइए देखते हैं क्लच के बारे में। इसका जो क्लच है बहुत ही ये हार्ड नहीं है, कुछ भी लूज है, एकदम दबाने को अच्छा रह जाता है और ड्राइवर को कुछ दिक्कत नहीं आती है, एक नंबर है, कुछ दिक्कत ही नहीं आती इसमें। सिंगल क्लच है, डबल क्लच नहीं है, सिंगल ही क्लच है। और ये तीन पिस्टन का गाड़ी है, 45 HP गाड़ी है, किधर भी डालो कैसा भी डालो बहुत खींच लेता है। ये आयशर कंपनी का ट्रैक्टर है, एक नंबर ट्रैक्टर है, अगर आपको लेना है तो आयशर ही लेना। तो आइए आप देखते हैं ब्रेक के बारे में। इसका जो ब्रेक है ऑयल ब्रेक है, ट्रैक्टर अगर फुल स्पीड से भी रहा ओवन ने दबाया तो जगह पर ट्रैक्टर रुक जाता है। ऑयल ब्रेक है, इजी ब्रेक है, कुछ दिक्कत नहीं आता है ड्राइवर को और कुछ अड़चन नहीं है चलाने में। अब गियर जो इसका गियर बीच में, अभी जो आ रहे हैं नए गाड़ी को साइड में आ रहे हैं गियर अभी, लेकिन ये पुराना गाड़ी है तो इसको बीच में गियर है। अब आइए देखते हैं इसके पीटीओ के बारे में। इसका जो पीटीओ है यहाँ पे, इसको जो है ड्राइवर को डालने में दिक्कत जाती नहीं, आसानी से पीटीओ गिर जाता है और 540 का RPM का पीटीओ, इसको सादा पीटीओ अपन एक दिन में मार सकते हैं। लगभग सुबह से ट्रैक्टर शाम तक के चला तो 20-25 एकड़ का रोटर आप एकदम आराम से, एकदम कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कुछ भी नहीं आता है। कहता हूँ तुमको स्टीयरिंग के बारे में, ये जो स्टीयरिंग है इसका पावर स्टीयरिंग गाड़ी है, जो चलाने में दिक्कत कुछ भी आती नहीं और इजीली घूम जाता है। देखिए आप टायर कैसे घूमता है, देखिए एकदम इजी टायर घूम रहा है, देखिए स्टीयरिंग उंगली से स्टीयरिंग घूम जाता है, देखिए अब फायरिंग भी देखिए आप। बंद यहाँ से होता है, फुल स्टॉप का है, यहाँ पे दिया है, जल्दी बंद हो जाता है। और अभी जो देखते हैं ये बिठाने के लिए है आदमियों को, अगर जो खेत वाला रहा तो इसको यहाँ पे इधर उधर बिठा सकते हैं अपन, ड्राइवर को कोई दिक्कत आती नहीं है कोई। जो आइए आप दिखाता हूँ ये सीट के बारे में। सीट जो है इसकी एकदम मुलायम है, कुछ भी झटके लगती नहीं है, देखिए कैसी दब जाती है, एकदम आसान सीट है और ड्राइवर को चलाने में कोई दिक्कत ही नहीं आती है इसकी, आराम से चला लेता है ड्राइवर। और इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी है वो लगभग 1600 से 1700 क्विंटल तक है, आसानी से उठा सकता है कुछ भी। और इसकी जो टायर है ये 14/9/28 के टायर है और ये MRF कंपनी के टायर है और आप देख ही सकते हैं टायर अभी 2 साल हुए हैं टायर को, टायर फिर भी चल ही रहे हैं। और आगे के जो टायर है वो 6/16 के टायर है, अभी वो MRF कंपनी की है। और आपके ये जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर की विशेषताएं बता दूं, जो आप ट्रैक्टर अभी चलाते हैं तो नया ट्रैक्टर लेने के बाद 1-1.5 साल में लीकेज होना चालू हो जाता है, लेकिन ये ट्रैक्टर 2018 का मॉडल है, अभी ये आप देख ही रहे हैं कुछ भी लीकेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो मेंटेनेंस गाड़ी है, एक नंबर गाड़ी। आइए आप आपको चला के दिखाता हूँ, आप फायरिंग भी देख लेना, सब चेक कर दें। देखिए आप मैं क्लच दबाने जा रहा हूँ, एकदम ईजिली क्लच दब जाता है, एकदम ईजिली अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आप फायरिंग देखिए, स्मूथली फायरिंग है, कुछ दिक्कत नहीं आती है, ज़्यादा आवाज भी नहीं मारता है। अब मैं गियर डालने जा रहा हूँ, गियर का जो एक नंबर सिस्टम है, गियर कोई भी गियर आवाज़ नहीं मारता है, जैसे पहला भी डाला मैंने, दूसरा भी डाला, तीसरा, चौथा,
हो गए। अब आइए आप घुमा के देखो, दिखा दो। अगर आप इस ट्रैक्टर की कीमत जानना चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी जानकारी दें या दिए गए नंबर 9650933899 पर कॉल करें। हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके ट्रैक्टर की कीमत बता देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि ये ट्रैक्टर आपको कैसा लगा और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने किसान भाइयों के साथ। जल्द ही मिलेंगे एक जानकारीपूर्ण ट्रैक्टर वीडियो में। धन्यवाद।